हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पाइथन वर्ल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था ये कार्ट सेक्शन का, अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इस प्लस और माइनस और डिलीट वाले पे जो है काम करेंगे, कैसे ये दोनों तीनों बटन जो काम करेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ करूँगा मैं कि एजेक्स का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर आईडी हमें गेट करने के लिए। ओके यहाँ पे मैं अभी जावा स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव है कि जेंगो में प्रोजेक्ट बनाना है। ओके तो उसके लिए तो हम जेंगो को ही यूज़ करेंगे, नहीं तो मैं अदर्स लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा तो अभी सब कुछ आप लोग को समझ नहीं आएगा। बाद में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा जावा स्क्रिप्ट यूज़ करके कैसे ये प्लस माइनस करते हैं, तो अभी उसको रहने देते हैं साइड में और अभी जेंगो पे हम आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, जैसे अभी ये बटन थोड़ा नहीं दिख रहा अच्छे से, तो इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ शो कार्ट में जाऊँगा और यहाँ नीचे आता हूँ और ये हमारा बटन, ओके इसको कर देता हूँ BTN प्राइमरी कर देता हूँ। इसी को मैं कॉपी करूँगा और हमें प्लस पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ प्लस पे भी ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। सेव करता हूँ और चल के पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया, HTTP रिस्पॉन्स। ओके देख लेते हैं, यहाँ व्यूज़ में चलते हैं और यहाँ तो हमने HTTP रिस्पॉन्स दिया है, तो फिर ऐसा क्यों एरर आ रहा है। प्रोडक्ट डिटेल एक बार लॉगिन करते हैं दोबारा से, यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो गए। अब कार्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ पे अभी भी वही आ रहा है, तो देख लेते एक बार क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके तो मैं यहाँ पे चेक किया कि वो हमें एरर क्यों शो हो रहे हैं। ओके यहाँ पे देखिए, मैंने प्रवीण से लॉगिन कर लिया, अभी प्रवीण के कार्ट में जो ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैंने पास किया था, अगर कार्ट में ज़ीरो रहे तो यहाँ पे मैंने सिंपली पास कर दिया, अभी कोई भी पेज पे यहाँ पे सर्व नहीं किया, इस वजह से यहाँ एरर आ रहा है। ओके तो यूज़र हम चेंज कर लेते हैं या इसमें ही ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है, और ये देखिए हमने ये प्लस और माइनस बटन को थोड़ा चेंज कर लिया, लुक चेंज कर लिया कि अच्छे से दिखे। अब इसके फंक्शन पर हम काम करते हैं, यहाँ व्यूज़ में चलते हैं और यहाँ नीचे आते हैं, व्यूज़ में पहले ना जा करके शो कार्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम HX का यूज़ करेंगे आईडी को गेट करने के लिए। यहाँ नीचे आते हैं और इस डिव से नीचे, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, इसमें करूँगा मैं डॉट प्लस कार्ट। अब ये प्लस कार्ट कहाँ से आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किया था प्रॉपर्टी, ये जो प्लस कार्ट है ये यहाँ से आ रहा है। ओके तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ करूँगा डॉट क्लिक ATTR सॉरी अभी ATTR क्लिक, यहाँ पे करूँगा फंक्शन और यहाँ पे करूँगा इसको नीचे।
नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे लूंगा वेयर आईडी, और आईडी है, आईडी को मैं ऐसे गेट करूँगा। तो दिस प्रॉपर्टी का यूज़ करके डॉट attr और यहाँ करूँगा pid डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये देखिए हमें आईडी कहाँ से आ गई, ये पीआईडी। लेकिन अभी पीआईडी यहाँ पे है जो हम लोग ने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो यहाँ दे देते हैं पीआईडी। ये प्लस है, यहीं पे मैं देता हूँ पीआईडी करके प्रॉपर्टी। और इसमें मैं क्या करूँगा, कार्ड डॉट आईडी दे देता हूँ सिंपली। और यही जो है हमें माइनस में भी देने की ज़रूरत है, तो यहाँ माइनस में भी मैं दे देता हूँ। रिमूव में भी देना है, अभी रहने देता हूँ पीआईडी को रिमूव में भी। प्लस माइनस पे कभी सिर्फ काम कर रहे हम लोग। और अब यहाँ पे मैं करूँगा डॉट एजेक्स, और यहाँ पे करूँगा टाइप यहाँ पे। अब मैं एक यू आर एल पास करूँगा, और यू आर एल में मैं क्या दे दूँगा, यू आर एल में करूँगा प्लस कार्ड, इसको अंडरस्कोर रखते हैं हम लोग। अभी ये यू आर एल जो हमने बनाया नहीं, अभी ये यू आर एल हमें बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं बस पास कर रहा हूँ यू आर एल, और यहाँ करूँगा डेटा इसमें। डेटा में मैं क्या करूँगा, प्रोड आईडी दे देता हूँ, प्रोडक्ट की आईडी। और ये कहाँ से आएगा हमारे पास, ये आईडी यहाँ पे जो हम लोग ने आईडी गेट किया था यहाँ पे आएगी। और अगर हमारा सब कुछ सक्सेस रहता है, इसको जो है यहीं पर रहने देता हूँ। और अगर सब कुछ सक्सेस रहता है, यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन करते डेटा। अब ये डेटा को भी मैं आप लोगों को कंसोल में प्रिंट करके दिखाऊंगा। सेव करते हैं, और यहाँ पे जो है एक ये यूज करेंगे, और यहाँ पे भी एक ये यूज करेंगे ऐसे करके। यहाँ पे तो हमें आईटी गेट हो जाएगा, ओके। और अब जो है इसके फंक्शन पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ व्यूज में चलते हैं, मैं भी बताऊंगा अभी आप लोगों को एक एक स्टेप कैसे कौन सी चीज़ गेट हो रही, ओके। और यहाँ पे व्यूज में चलते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे प्लस कार्ट। प्लस कार्ट में मैं करूँगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं वही यूज़र को पहले चेक करूँगा। मैं यहीं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ये दो लाइन जो है कॉपी करता हूँ, और यहाँ जो है मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे जो है जो हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी वहाँ एजेक्स के थ्रू यूज़ किया था, तो
उसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे करूँगा मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट और इसमें मैं दे दूंगा प्रॉड आईडी। ये प्रॉड आईडी जो है हम लोग यहाँ से गेट कर रहे हैं, ये वाला जो पास किया एजेक्स में उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं कार्ट के नाम से और इसमें करूँगा कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और यहाँ यूज करना है हमें ऐसे, सॉरी क्यू क्यू और यहाँ पे मैं करूँगा फोन। ये क्यू का तो हम लोगों ने पहले भी यूज कर रखा है तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, पहले से इंपोर्ट होगा हमारा। ऊपर देख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए हमें क्यू इंपोर्ट है। सॉरी इसमें फोन अभी नहीं करूँगा, इसमें करूँगा मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं ऐसे रहेगा। और अब जो है यहाँ पे एंड करूँगा क्यू और अब इसमें मैं करूँगा फोन इक्वल टू फोन और अब क्या करूँगा मैं कार्ट की जो क्वांटिटी है क्वांटिटी उसमें प्लस वन करूँगा मैं और इसको जो मैं सेव कार्ट डॉट सेव कर दूँगा। कार्ट डॉट सेव करूँगा और अब जो एक डेटा नाम का वेरिएबल मैं बनाऊँगा, सॉरी डिक्शनरी बनाऊँगा जिसको मैं कंटेस्ट के तौर में अपने HTML पेज में पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी और अब जो यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न में रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स। अभी हमें ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इसमें पास करूँगा डेटा, तो अभी ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमें जेसन रिस्पॉन्स को। तो यहाँ ऊपर में चलते हैं और इस क्यू से नीचे लिखते हैं सिर्फ फ्रॉम चेंगो डॉट HTTP इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। सेव करता हूँ और अब चल क्या स्पेलिंग मिस्टेक शायद हो गया हमारा, सॉरी यहाँ जेसन ऐसे होगा। सेव करता हूँ, अब सही, अब चलते हैं देखते हैं काम करता है कि नहीं हमारा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ प्लस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्वांटिटी जो है इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने अभी URL नहीं बनाया इसके लिए। यहाँ पे तो हम लोगों ने पास कर दिया है प्लस कार्ट ऐसे करके, URL नहीं क्रिएट किया। तो यहाँ आते हैं शो कार्ट के नीचे और मैं जो है इसी को कॉपी करता हूँ, शो कार्ट को कॉपी करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बस इसमें चेंजेस कर लूँगा प्लस कार्ट, हाँ जी मैं कर दूंगा प्लस प्लस और यहाँ पे कर दूंगा प्लस। सेव करता हूँ
और अब चल के पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा, अब देख लेते हैं एक बार। यहाँ नीचे आते व्यूज में कहीं गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने? यहाँ पे हमें चेक कनेक्ट बहुत ही अच्छा तरीका रहता है कंसोल में प्रिंट करने का। यहाँ मैं करूँगा, यहाँ पे इस डेटा को जो है हम कंसोल में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं करूँगा डेटा, और यहाँ पे जो है सेव करता हूँ, और अब चल के पेज को रिफ्रेश करता हूँ एक बार और कंसोल में चलते हैं एक बार। यहाँ कंसोल में गए और यहाँ एक बार क्लिक करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ तो यहाँ क्या आ रहा, अनकॉट एरर। यहाँ पे अनकॉट एरर एक ये क्यों आ रहा है देखते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूँ एक बार, यहाँ पे जो है आईडी को भी प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें जो मैं आईडी को एक बार देखूंगा कि आईडी हमारा आता है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ कंसोल में चलते हैं और क्लिक करते, तो यहाँ पे आ रहा अभी भी अनकॉर्ड। इसके ऊपर ही गड़बड़ आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रहा है। वेयर आई डी, ओके पी आई डी, एक बार ऊपर हम पी आई डी पर देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें एरर इसलिए आ रहा था, हम लोग ने इसको गड़बड़ लिखा है। यहाँ पे करूँगा इक्वल और डबल स्ट्रिंग, इसको कट करके और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, इसलिए हमें गड़बड़ आ रहा था। देख लीजिए एक बार, ऐसे पी आई डी हम यूज़ करेंगे, कार्ड डॉट प्रोडक्ट डॉट आई डी। सेव कर दिया, अब चल के एक बार देखते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो अभी भी नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको एक बार कंसोल में, अभी भी इनवैलिड टोकन आ रहा है। ये इनवैलिड टोकन क्यों आ रहा है, अभी भी टू स्ट्रिंग वेयर पी आई डी। अभी तो सही कर दिया हम लोगों ने, कार्ड डॉट प्रोडक्ट डॉट आई डी, पी आई डी यहाँ पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पी आई डी हमें इसलिए रहना, तो इसको ऐसे करना है। सेव करता हूँ और अब चल के पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये काम करता है कि नहीं, अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो अब देख लेते एक बार, हम अपने कोड को एक एक बार देख लेते हैं, डॉट प्लस कार्ड। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल स्ट्रिंग में लिखना है इसको, और यहाँ पे आईडी गेट किया कंसोल आईडी एज एक्स, टाइप गेट कर लिया यूआरएल डेटा और फिर सक्सेस। ओके, इसलिए हम लोग ने ये चेंजेस किया, तो अब देखते हैं इसको सेव करके काम करता है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करता हूँ और प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा क्वांटिटी जो है इंक्रीज हुआ। इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये अच्छा हुआ कि हमारा जो है प्लस बटन जो है काम करने लगा अच्छे से, और अब जो इसी तरह हमें ये माइनस कार्ड के ऊपर काम करना है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये माइनस वाले और डिलीट को जो मैं एक साथ सेपरेट वीडियो में कर दूंगा। अभी ये प्लस वाला तो काम कर लिया, माइनस में हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, कोड को कॉपी पेस्ट करना है और जहाँ प्लस है क्वांटिटी वहाँ माइनस कर देना बस, और कोई काम नहीं हमें।
तो आज के लिए बस इतने ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।